हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में यार। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी फ्री फायर में इंडोनेशिया सर्वर को एक्टिव कैसे करें। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नए अपडेट के बाद में यहाँ पे हमारा फ्री फायर इंडोनेशिया का सर्वर ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं चला गया अपने गूगल आईडी में और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने इंडोनेशिया सर्वर में आपको दिखाने के लिए कि मेरा भी फ्री फायर में ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा ये पैच अपडेट नया चाहिए और नया पैच अपडेट हम लोग डाउनलोड कहाँ से करें। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि मैं आप लोग नया पैच अपडेट कहाँ से करना है आपको डाउनलोड। यहाँ पे आपको होम कर देना है, फिर हाँ आपको ये अपना गेम में से पुराना फ्री फायर मैक्स को अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आपको जाना है अपने मोबाइल में वी स्टोर में, मेरा तो मोबाइल वीवो का है तो मैं वी स्टोर में जाऊँगा। आपका जो भी मोबाइल है, ओप्पो रेडमी वीवो जो भी है, आप उसके स्टोर में चले जाना और वहाँ पे फ्री फायर सर्च कर देना। आपको मैं इस वीडियो को देखो, आपको पूरा पता लग जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूँ फ्री फायर मैक्स, इसे मैं सर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैशबोर्ड पे पहले से ही है। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मेरा फ्री फायर डाउनलोड हो गया है। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे देखो, मेरा डाउनलोड होने वाला है। मैंने थोड़ा बीच में पॉज किया था वीडियो को। 91% डाउनलोड हो गया भाई। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो गेम डाउनलोड हो चुका है। और आपको ये ऐप को अपने इंडोनेशिया सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए और एक ऐप की जरूरत है। आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे टर्बो VPN, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम आप अपने इंडोनेशिया सर्वर लॉग इन करोगे, इसके लिए आपको टर्बो VPN की जरूरत पड़ेगी। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कमल का एप्स का फायदा क्या है? 115 रुपया फी। तो आपको खेलना लगेगा तो आप जाके खेल भी सकते हो। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने इंडोनेशिया सर्वर में। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा क्योंकि हमने VPN चालू किया है। जैसा कि आपको देख ही सकते हो, यहाँ पे अपनी सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे एंड में दिख रहा है, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपका इंडोनेशिया सर्वर लॉगिन हो गया बहुत इजी तरीके से। आप ये सब्सक्राइब करोगे तो आपका इंडोनेशिया सर्वर रिकवर हो जाएगा।